क्या कहती है, सुबगड़ा तू धर्म के अंग मधुर है। जैसे ही
श्याम सुंदर के विषय में तोते ने कहा तो नानी भाई तुरंत उस सरोवर की पाल से उतर करके उस रास्ते पर आकर के प्रतीक्षा कर रही है, रास्ते पर आकर के देख रही है। थोड़ी ही देर में ठाकुर जी का रथ आया और नानी भाई मार्ग में खड़ी हो गई। कवि लिखता है, उतरी भाई सर्वरियेरी पाल, आड़ी तो फिरी पूछियो जी। रास्ते पर खड़ी हो गई नानी भाई और जैसे ही भगवान का रथ आया तो रथ को रोकने का इशारा किया। आंखों में आंसू भरे हुए हैं और परिचय पूछ रही है, अरे थे जो वीरा कठेरा सरदार, किनरे घर आया पावड़ा। परिचय पूछ रही, आप कौन हो, कहां के राजा हो और किसके यहाँ कहीं मेहमान जा रहे हो। नानी भाई का जब स्वरूप देखा, नानी भाई की वेदना जब देखी तो भगवान की आंखें भी भर आई। कुछ बोलना चाहा भगवान ने पर भगवान का गला रूंध गया, भगवान कुछ बोल नहीं पाए। नानी भाई राधा रुक्मिणी से कहती है कि कह दो भावज मन डेरी पार, हर गीत घनाई सुहाना हो जी। भाभी जी आप बताओ अपना परिचय तो दो, आप कौन हो। तब राधा रुक्मिणी परिचय देती है कि स्वामी महारा मथुरा रा सरदार, द्वारावती रा राव जी हो जी। वसुदेव रात समरथ पूत, माँ देव की रादिक रा हो जी। ये हमारे स्वामी मथुरा के सरदार हैं, द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश है और वसुदेव राज समरथपूत, इनके पिता का नाम वसुदेव है और माँ देवकीरा दीकरा, देवकी इनकी माता है और ये भगवान द्वारिका देव श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। जैसे ही परिचय पता चला, नानी भाई की आंखों से गंगा यमुना झर 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 बह चली। दौड़ करके, मेरा वीर आया, मेरा भाई आया, भला को धारिया वीरा, भला को धारिया। दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ना चाहे परंतु भगवान ने दौड़ कर अपनी बहन को अपने हृदय से लगा लिया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, तुंडुकियां बजाई, जय जयकार हुई, भक्तवत्सल भगवान भले पधारे वीरा भले पधारे। बड़ी देर कर दी वीरा आने में, भगवान बहन के आंसू पोछते हैं और भगवान कहते, बहन अब तेरा रोने का समय निकल गया, अब तो तू आनंद मना, जा बहन घर जा, देख तेरा वीर जितना लिखा इतना सारा मायरा लेकर के आया, तू घर जा और घर जा करके मायरा बधाने की तैयारी। नानी बाई उमग ही, अब तो हृदय बिल्कुल प्रसन्न है, इतनी आनंद से भरी हुई है। नानी बाई उमग ही सुन रिद्ध सिद्ध की बात, रोज जल भरती थी छान कर, आज अण छाणियों ले जा, अब छानने में विलंब कौन करे। जल्दी से घड़ा डुबाया और दौड़ लगा दी घर की तरफ। घर आई, घड़ा लेकर के मुस्कुराते हुए हंसते हुए जब घर में प्रवेश किया तो घर परिवार के लोग फिर से भिड़ गए, मायरे वाले सब आ गए, अभी तक मायरा नहीं आया, अभी तक मायरा नहीं आया। तो नानी भाई कहती है, सासू माँ ननद भाई आप चिंता मत करो, मेरा परिवार आ रहा है, मेरा वीर आ रहा है और अकेला नहीं पूरे
समाज के साथ आ रहा है। मैंने अभी अभी इतने उससे मिल करके आई हूँ, मेरा वीरा, मेरी भावज और पूरा परिवार बस पहुंचने ही वाला है। नानी बाई की बातें सुनी तो नानी बाई का वचन सुन हंसी कुटुंब की नार, सांस हंसी नणदल हंसी हंसियो नगर अंजा, सब हंसने लग गए। परिवार में कोई हो तो आवेगे, एक बाप था वो तो हाथ हिलाते हुए आ गया। अब ये इतनी बावरी हो गई कि राह चलते किसी भी सेठ को देखती है तो यही कहती, मेरा भाई आ गया, मेरा वीर आ गया, मेरा परिवार आ गया। नानी भाई इतनी आनंद में भरी हुई है, सबको, सासू को, देवरानी को, जेठानी को लेकर के अपने महल की छत पर चढ़ गई और वहां से दिखाती है, अरे देखो जी सासू जी मारा पियर लो परिवार हो, देखो जी सासू जी पियर लो परिवार हो, जीरत में बैठ सांवर भी हो जाया चेदार हो, ऊपर सेवरो जल के जी वीरा जी पार ऊपर सेवरो जल के जी, ओ जया राशी से ऊपर चुंदड़िया चमके जी, ओ जया राशी से ऊपर चुंदड़िया चमके जी, वीरा जी आभा जाने नील मणि जी, वीरा जी आभा जाने हो जाया रिया भासो है सोने सुगणी, हो जाया रिया भासो है सोना सुगणी, ओ देखो जी सासू जी मारा पियर लो परिवार जी, देखो जी सासू जी मारा पियर लो परिवार जी, रथ में बैठो साल मेरो हो जाया छेदार, सासों को दिखाती है, कभी अपनी नणंदल को दिखाती है, कभी देवरानी को, कभी जेठानी को दिखाती है, देखो 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 वो जो लवाज में आ रहा है वो मेरे भाई का है, रथ में बैठो सांवल मीरो और भोजा या छेला, मेरी भाभिया भी है संग में, देखो मेरे वीर के माथे का सेवरा कैसा चमक रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और मेरे भाभी की चुंदड़ियों की चमक क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, रथड़े रे ऊपर पीड़ी ध्वजा फहराएगी, रथड़े रे ऊपर पीड़ी ध्वजा फहराएगी, मंदी मंदी खून चाले शीतल सुभाएगी, सीतल सभा मोतिया हंदी जाल दी में
गिरा हम दिलो मजी मो प्यार जी प्यार जी ने गिरा दिलो जी मेरा जीरा रतड़ा रिजल के छे झूम जी मेरा जीरा रतड़ा जब के भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज हो भगत वत्सल सारे सब काज नानी बहर मायने री ठाकुर जी ने लाग सीता राम जी ने लाग मारा सावनिया के लाग जय जय नारायण हरि। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अनंत उपमा आपकी कवि न सके तथ घनमोला रत ना जड़िया सामल सारा रथ। अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ सांवरिया सेठ का रथ नानी बाई सबको दिखा रही है। परिवार के सब लोग समझा रहे हैं, लगता है मायरा 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 सुनकर के ये पागल हो गई। इससे जो निकल रहा है जो जा रहा है उसे अपना वीर बता रही है, उसे अपना भाई बता रही है, सभी समझा रहे हैं। परंतु बहन के आनंद का आज कोई क्या वर्णन करे, कोई माने ना माने दौड़ करके नीचे आती है, मंगल थाल निकालती है, चांदी की थाल में श्रृंगार की बधाने की सारी सामग्री एकत्रित करती है, मंगल दीप तैयार रखती है। आज पड़ोस दौड़ गए सखियों को बुलाने के लिए, ए रेखा ए ललिता ए सावित्री अरे आओ मेरा वीर आया है, मंगल गीत गाओ मंगल बधावे गाओ। परिवार के सब लोग तो यही समझ रहे हैं कि वीरा 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 कह करके तो पागल हो गए। इधर भगवान ने एक लीला और करी, नगर अंजार में प्रवेश किया उसके पहले ही भगवान ने रथ रोक लिया। एक कपड़े की गठड़ी ली भगवान ने और रथ से उतर पड़े। राधा रुक्मिणी कहते प्रभु क्या हुआ आप कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं नरसिंह जी को लेकर के आ रहा हूं, आप लोग श्री रंग जी की हवेली पे पहुंचो। पीठ पीछे गठरी लाद करके भगवान आज नगर अंजार की गलियों में आवाज लगा रहे हैं। भगवान कपड़े बेचने के लिए निकले हैं। अरे हेला महाराज सेठ जी थे दरवाजा खोलो, अरे माहेरो भरो तो भाया कपड़ा तोलो। आज भगवान बाजार बने हुए हैं, कपड़े ले लो कपड़े ले लो आवाज लगा रहे हैं। सांवरिया सेठ की जब आवाज नारायण देवर के कान में पड़ी तो दौड़ करके उसने दरवाजा खोला। दौड़ियो नारायणियो देवर साकड़ दीनी खोल, कहो नी सेठा जी थारा कपड़ा रोमो। नारायणिया देवर ने दौड़ करके दरवाजा खोला, सेठ जी को बुलाता है, ओ सेठ जी इधर आओ, कपड़े लाए हो? बोले हाँ। बताओ बताओ किस भाव के हैं? सांवरिया सेठ के कपड़े किस भाव के होंगे? क्या कहते हैं भगवान? सवा हाथरा कापड़ा रा रुपिया हजार, साबुकार धान का तो अंत न पार। नहीं भैया कपड़े बड़े महंगे हैं, सवा हाथ का कपड़ा 1000 में आएगा, साबुतारे थान का तो अंत न पार। नारायण देवर कहता इतने महंगे कपड़े, अब महंगे क्यों नहीं होंगे साहब, बेचने वाला कौन है, है? कपड़े की कीमत नहीं होती साहब, ब्रांड की कीमत होती है, है? और यहाँ सांवरिया का
का ब्रांड लगा हुआ है, फिर कपड़े सस्ते मिलेंगे क्या? बोलिए सांवरिया सेठ की, सवा हाथ रा कपड़ा रा रुपया हजार, साबुतारे थान का तो अंत न पाए। सवा हाथ का कपड़ा 1000 में पड़ेगा, बता एक थान कितने में पड़ेगा? कोई पार नहीं है, तेरे से नहीं खरीदाएगा भैया। तो नारायण देवर कहता है इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे कपड़े तो कोई नगर अंजार में खरीद ही नहीं सकता। फिर एकदम से याद आया कि चलो रे, नरसिंह जी की मस्करी करने का एक पॉइंट और मिला। इतना महंगा कपड़ा तो नरसिंह तो लेसी, जारे पल्ले रोकड़ी वो थोकड़ी गिन लेसी। और सेठ जी इतने महंगे कपड़े तो बस खाली नरसी मेहता ही खरीद सकते हो, और कोई की औकात नहीं। देखो मजाक में ही सही, परंतु नारायण देवर ने कितनी सही बात कही है। और किसी की औकात है सांवरिया सेठ से कपड़ा खरीदने की? इतना महंगा कपड़ा तो नरसी मेहता तो लेसी, जारे पल्ले रोकड़ी वो थोकड़ी गिन लेसी। इतने महंगे कपड़े तो खाली नरसिंह मेहता खरीद सके। ओहो, जैसे ही नरसिंह मेहता का नाम सुना तो भगवान मुस्कुरा दिए, हंसने मुलक कर बोलिया छे हरी, नरसिंह जी आया है काई मिल सु तो खरी। क्या कहा भैया, नरसिंह मेहता यहाँ आए हुए? बोले हाँ सेठ जी। नरसिंह मेहता जूनागढ़ वाले? बोले हाँ वही यहाँ है। बोले यही है? क्या बात है, अरे फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। तो नारायण देवर कहता है कि बोलियो नारायण देवर, नानी बाई रो देवरियो पूछे यो नारायण, थारे तो नरसिंह से सेठा कदरी पहचान। जैसे भगवान प्रसन्न हुए नरसिंह जी का नाम सुन करके, तो नारायण देवर पूछते हैं कि सेठ जी आपकी कब से नरसिंह जी से पहचान, आप पहचानते हो नरसिंह जी को? भगवान क्या कहते हैं, अरे नरसिंह जी से तो हमारा खूब पुराना संबंध है, नरसिंह जी के साथ हमने खूब व्यापार व्यवसाय किया, नरसिंह जी तो हमारे आदि सेठ हैं, हमारे जैसे 360 मुनि उनके नीचे काम करते थे, मेरे ऊपर थोड़ी ज्यादा ही प्रीति। क्या कहते हैं भगवान, मेरे ऊपर स्नेह ज्यादा था, अब वो यहाँ आए हैं तो उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। नारायण देवर क्या कहता है, भोलो छेरे बाणिया तो निपट गार, मेहता तो नरसीला संग तो मत कर जे व्यवहार। ऐसे लगता है तू बड़ा भोला है, या तुझे नरसिंह जी से मिले बड़ा समय हो गया, तुझे लगता है जानकारी नहीं है, नरसिंह जी पहले जैसे नहीं रहे, अब नरसिंह जी जोगी बन गए, एक फूटी कोड़ी भी अब नरसिंह के पास नहीं है। बोलो छेरे बाणिया तो निपट गवार, मेहता तो नरसिला संग तू मत कर दे व्यवहार। व्यापार अगर किया कपड़े रद्द कर दिए तो समझ लेना माल आने वाला नहीं है, तेरा माल डूब जाएगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान क्या कहते हैं कि मारे तो नरसिला संग पूरब लो व्यवहार, और देसी तो ले ले सो नहीं तो कर्जा सो उधार। क्या कह रहे भगवान, मेरा तो नरसिंह जी के साथ बड़ा पुराना व्यवहार है भाई, तू क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, मेरा तो नरसिंह जी के साथ बड़ा पुराना व्यवहार है, वो देंगे तो ले लूंगा और अगर नहीं देंगे तो मैं तो उधार भी कर लूंगा, हमारा तो खाता चलता है। और जिस टूटी टपरी में नरसिंह जी
भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी टपरी की ओर सांवरिया से आज चल पड़े। भगवान को आने में बड़ी देर हो रही है और नरसिंह जी इतने व्याकुल है, आंखों से झरझर झरझर आंसू बरस रहे हैं और बार बार भगवान को पुकार रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, कन्हैया प्यारा दर्श कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, रही भारी लाडली दया खाने क्यों न आए, कन्हैया पहले धीरे बता जाए, कन्हैया पहले धीरे बता जाए, ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, ओ
का कोई काम नहीं, बस रोते जा रहे हैं और कन्हैया को पुकारते। तो नारायण देवर कहता है, नवोड़ी हवेली जठे गया हंदी जान, फुटोड़ी दुकान वठे नरसी राम काम। बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मंडप दिखाई दे, वो तो नरसी जी के ब्याई जी का भवन है, अपना परिचय नहीं दिया। और फुटोड़ी दुकान वठे नरसी रो मकान, जहाँ टूटी फूटी टपरिया है वहां पर नरसी जी बैठे हुए हैं। बस उसी दिशा में भगवान सांवरिया से कपड़े की गठरी पीठ के पीछे लादे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे, हेला नारा सेठ जी थे दरवाजा खोलो, माहेरो धरो तो कहीं कांपड़ा तो लो, कपड़े ले लो कपड़े ले लो कपड़े ले लो। आवाज सुनी तो भगवान की आवाज सूरदासो के कान में पड़ी, और जैसे ही सूरदासो ने सुना, नरसी जी के पास आए और नरसी जी से कहते, नरसी जी थोड़ा ध्यान से सुनो क्या। अरे सेठारी बतलावण सुनकर सूर्या स्वामी बोले, अरे सुनो रे नरसी जी जाने किसनो खाती बोले। ओ नरसी जी सुनो, अरे ये जो सेठ की आवाज आ रही है ना, इसकी आवाज कैसी लग रही, कैसी लग रही? बोले जैसे जंगल में किसना खाती बोलता था क्या, जंगल में किसना खाती आया था जिसने हमारी गाड़ी सुधारी थी, उसके जैसी वैसी की वैसी आवाज सुनाई दे रही है सेठ की। देखे तो सही, कहीं वही तो नहीं आया। आवाज सुनी नरसी जी ने, समझ गए कि नहीं आ गया। इतने में भगवान उस टूटी टपरी के द्वार पर आ गए। आवत तो देखियो सांवरियो, भगवान को जब आते हुए देखा गठरी लेकर के, अरे आवत देखियो सामरियो नरसी बैठोरी साए, ले जा थारी गांठड़ी को आयो लाज गुमाए। अब तक तो भगवान को बड़ा पुकार रहे थे, और जब भगवान आ गए, अब नरसी जी भगवान से रूठ जाते हैं। भगवान को आते देखा तो नरसी जी ने मुंह फेर लिया। देखो भक्त और भगवान के बीच में कितना मजबूत संबंध होगा। जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरसती है, एक झलक पाने के लिए सारा जगत बेचैन होता है, उसी परमात्मा को देख करके भी देखो अधिकार, देखो नरसी जी का, रूठ गए, मुंह फेर लिया नरसी जी। भगवान आए और स्वामी मेली गांठड़ी अपूठो फिरी जावे, नरसी जी ने सांवरियो तो मांडिया ही मनावे। नरसी जी ने मुंह फेर लिया तो भगवान ने जिधर मुंह था उधर जाकर के गांठड़ी रखी, देखो नरसी जी पूरा मायरा लाया हो। तो नरसी जी ने उधर से भी मुंह फेर लिया, हंसने मुलक कर बोलिया छे हरी,
माहेरो लायो छू नरसी देखो तो खरी। भगवान मुस्कुराते हुए मना रहे, नरसी जी देर हो गई आने में, मायरा लाया हूँ, कम से कम देख तो लो, और इतना क्या रूठ रहे हो। अरे मायरा भी कोई कम नहीं था भैया, इतना मायरा इकट्ठा करने में तो कई लोगों की पीढ़ियां निकल जाती है, इतना मायरा इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई, अब इसमें इतनी नाराजगी की क्या है नरसिंह जी, मान भी जाओ। माडाणी दिखावण लाग्या आख्या लीनी नीच। जब नरसिंह जी कुछ बोले नहीं तो भगवान ने अपने हाथ से गठरी खोली और एक सुंदर सी चुंदड़ी निकाल करके दिखाते हैं, देखो ये नानी भाई को उड़ाएंगे। तो नरसिंह जी ने आंखें बंद करी, मुझे नहीं देखना, तू जा वापस जा। आख्या लीनी नीच और बोलियो ना सुनावे जिनसु काना लीदा बीच। आंख बंद कर ली तो भगवान कान के पास मुंह ले जा करके कहते हैं, सोने का तीर सोने की शिला भी लाया हूं। तो भगवान नरसिंह जी ने कान भी बंद कर लिए, रूठे हुए हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, भक्त भगवान से क्या शिकायत कर रहा है, के मोड़ो आयो रे सांवरिया के म्हारी लाज गमाई, 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 Thank you.
शिकायत तो करेगा कि जहां अधिकार होता है
वहाँ शिकायत भी होती है, वहाँ झगड़ा भी होता है। और आज भक्त मानो भगवान से रूठा हुआ है, मन ही मन ये शिकायत कर रहा है, आना था कन्हैया तो थोड़ा जल्दी आ जाते। भगवान ने खूब मनाना चाहा, खूब मनाना चाहा, नरसिंह जी नहीं माने। बादिला भगतारो सैया, अरे काई तो करा, ऐसी जो जाना तो गांठ ब्याया के धरा। नरसिंह जी इतने रूठ जाएगी पता नहीं था रे, इससे अच्छा होता कि मैं तो सीधा सीधा चले जाता, नानी भाई को मायरा उड़ा के सीधा निकल जाता। बादिला भगतारो सैया, काई तो करा, ऐसे भक्त का मैं क्या करूं। वाह भैया नरसिंह जी, अब आपको देखना ही नहीं है तो ये गांठ बांधी, ये पीठ के पीछे डाली और ये चला। अरे चालन लाग्यो सामरियो, जद गांठड़ी उठाए, नरसिंह जी जाने रे यो तोलिया योड़ी ले जाए। जब भगवान जाने लगे गांठरी उठा करके, तो नरसिंह जी ने देखा कि अब उठने में कोई फायदा नहीं है, ये आया तो है बड़ी देर से पर जाने में देर नहीं लगेगी, इसलिए दौड़ पड़े नरसिंह जी। उभो रे रे सांवरिया तू ठाड़ो रे गोपाल, लिया योड़ी गांठड़ले माने दई जा रे नंदलाल। दौड़ पड़े नरसिंह जी और पीछे से जाकर के वो गठरी पकड़ ली। भगवान रुक गए, लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सामल शाये, पोलिसो निकलता मारो बुग जो पकड़ियो जाए। भगवान टापरी के द्वार से बाहर निकले, इतने में तो नरसिंह जी ने दौड़ करके पीछे से बुग जाए ने वो पोटला पकड़ लिया, पर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के आंसुओं से भगवान के चरण धो दिए, हाथ जोड़ करके नरसिंह जी कहते हैं कन्हैया अरे तुमसे नहीं रूठेंगे तो किससे रूठने जाएंगे। अब ऐसा कोई संबंध नहीं मैं जिस पर अधिकार पूर्वक रूठ सकूं, अधिकार पूर्वक डांट सकूं, अधिकार पूर्वक लड़ सकूं, केवल आप मेरे हो और मैं आपका हूं कन्हैया। अब आपसे न लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे, और अगर आपसे नहीं बोलेंगे तो फिर दुनिया में किससे बोलने जाएंगे। रुक जाइए कन्हैया, ठाकुर जी रुक जाइए। भगवान रुक गए, ठाकुर जी रा आगे नरसिंह निरत करे और ठाकुर मारा सामल्य आपका बोलिया ही सरे। हे भगवान, आपसे नहीं बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या। सूरदास जी सब कहते ओ नरसिंह जी ये कौन आया, कौन आया है हमें भी तो बताओ। तो नरसिंह जी ने क्या कहा, सूरदासो स्वयं देख लो। अब देखिए सूरदास तो सारे अंधे हैं, तो नरसिंह जी के मुंह से क्या निकला, कौन आया है, बोले स्वयं देख लो। और सूरदासों ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी और जितने भी सूरदास अंधे थे सबको भगवान ने नेत्र ज्योति प्रदान करी, भगवान का दर्शन हुआ, जय जयकार हुआ, सांवरिया सेठ की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। धन्य हो नरसिंह जी और धन्य हो आपकी भक्ति को। बारंबार ठाकुर जी के चरणों में सबने प्रणाम किया। फिर भगवान नरसिंह जी से कहते हैं, मित्र मिले बहु दिवस ते, हरिमुख कियो उचार। भगवान बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, आओ बैठो थोड़ी देर हम बातचीत करें। मायरे की व्यवस्था भूल गए नरसिंह जी। भगवान कहते नरसिंह जी घड़ी देख लो, मायरे का समय हो चुका है, बातचीत बाद में करेंगे, अभी चलो। और सूरदासों को संग लेकर के नरसिंह जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के, कपड़े की गठरी अपने पीठ के पीछे रख करके, सामलिया सेठ आज नगर अंजारे की गलियों में से होते हुए नानी बाई के भवन की ओर चल पड़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए
भक्त का मान में घटते हैं, अपने भगत का मान बढ़ाने के लिए आज भगवान गठरी उठा करके चल रहे हैं। नगर के लोगों ने देखा हो कोई बड़ा सेठ दिखाई देता है, अरे भैया कौन होगा ये? नरसिंह जी ने लगता है अवश्य इसके ऊपर कोई ना कोई जादू किया, परंतु जादू नरसिंह ने नहीं किया साहब, जादू तो सांवरिया सेठ करता है। सांवरियो भगता पर जादू कर दो, सांवरियो भगता पर जादू कर दो, जादू कर दो, जादू कर दो, जादू कर दो, जादू कर दे, जादू कर दे, जादू कर दे, ओ जादू कर दो, जादू कर दो, जादू कर दो, चेल छबेलो है ओ मंडक्या वालो, रंग रंगी लो चेल छबेलो है ओ मंडक्या वालो, रंग रंगी लो चेल छबेलो है ओ मंडक्या वालो, रंग रंगी लो चेल छबेलो है ओ मोहनी मोरत सांवर सूरत सुंदर झांकी वालो, मुरली वालो मुरली वालो सांवरियो भक्तारे जादू करियो, मुरली वालो सांवरियो भक्तारे जादू करियो, जब लहान भगत you
Thank you.